कि उस चेहरे के पीछे कितने चेहरे हैं, मनीष कश्यप की सच्चाई आज दुनिया के सामने आनी चाहिए। अपनी मम्मी कसम खा के बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं। तो इतना आप लोग किए ना विक्की बेदर्दी के बाद, मेरे बाद कोई किया तो आप ही जाओ पश्चात में। लेकिन उस दिन कह रही थी कि किडनी दे देते, अपना किडनी मदद करने का इतना ही शौक था। जी नहीं, इतना बड़ा दानवीर तो नहीं है दीदी। आप जो बोले कि एक वीडियो जो सोफा पे बनाया था, मेरी बात सुनिए, वो हम बनाए थे, वो चला है, वो हम बनाए थे, वो चला है, वो भी वीडियो। सब झूठ बोल रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं। खुद को बिहार का सीएम बताता है, भविष्य का नारे लगवाता है, सबका पोल पट्टी खोलेंगे आज। 6 बजे से लगातार 3 बजे तक कंटिन्यू कट टू कट हुआ रहा था, सिर्फ कि जो उन लोग को मिल नहीं रहा था जो चीज़, हम वो लोग हम बहुत परहेज किए, सच्चाई बोलते हैं। और इस मनीष कश्यप ने उस विक्की बेदर्दी की मौत से पहले भी मजाक बनाया और उसकी मौत की भी मजाक बनाया। झूठ बोले कौआ काटे, अरे कले कौए से डरियो, और हमको गाना नहीं आता, गाने पे न जइयो। तो भैया आज आते हैं सच पे, उस सच पे जिसके लिए झूठ बोला गया, और झूठ से बात नहीं बनी तो दो चार और झूठ बोला गया, और जब उस झूठ से भी काम न चला तो साजिशें रचनी पड़ी। आज कहानी उस मनीष भैया की, मनीष कश्यप की, उस फर्जी मनीष कश्यप की, जिसके नाम पे, जिसके चेहरे को आप राम की तरह देख रहे हैं लेकिन उस चेहरे के पीछे कई रावणिया चेहरे हैं, उसकी सच मैं आपको दिखाता हूँ। प्रणाम, मैं हूँ सुमित कुमार और आप देख रहे हैं सच बिहार। विक्की बेदर्दी और मनीष कश्यप की कहानी आपको वाकिफ है, फिर से बताने की ज़रूरत नहीं है। और अगर पहली बार आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो विक्की बेदर्दी से जुड़ी सारी अपडेट जो है सच बिहार पे आपको मिलेगा। कैसे विक्की बेदर्दी एक भोजपुरी का बढ़िया कलाकार, उभरता हुआ कलाकार जिसका उम्र 18-20 साल से कम है, उसकी जान चली जाती है किडनी फेलियर के कारण। सबसे बड़ी चीज़ तो इस देश में अगर किसी व्यक्ति की, किसी युवा की किडनी फेलियर के कारण जान जाता है तो अपने आप में शर्म की बात है, क्योंकि तमाम सारे रिसोर्सेस, तमाम जो फेंके जाते हैं कि इतने सारे ये हुआ, इस तरह के अस्पताल बनाए गए, वो सब कहाँ मर जाते हैं, कैसे मदद नहीं होती। और जब मदद कुछ पत्रकार मिलकर करने की कोशिश करते हैं तो किस तरह से किया जाता है। एक पत्रकार जो हर जगह चिप्स का पैकेट भी एक बांट दे तो उसका भी वीडियो बना के लोगों के सामने नुमाइश करता है, खुद को बिहार का सीएम बताता है, भविष्य का नारे लगवाता है, सबका पोल पट्टी खोलेंगे आज, क्योंकि सच आना चाहिए किसी की भी हो। जिस चेहरे के लिए, जिस मनीष कश्यप के लिए आप सुमित कुमार को पिछले 8 दिन से गरिया रहे हैं ना कि तुम उसके पीछे पड़े हुए हो और हमको कोई काम नहीं है, कई सारे रिपोर्ट है भैया, लेकिन यह दिखाने के पीछे मकसद ये है कि जिस चेहरे के नाम पे बिहार के लाखों युवाओं को दंगाई बनाने की साजिश चल रही है, उसकी सच्चाई आपके सामने आनी चाहिए। वो हर जगह जहां पे फंडिंग का बात आता है, विवाद में मनीष कश्यप ही क्यों आते हैं, और उस जगह पे जहां पे फंडिंग की सच में जरूरत थी, मनीष कश्यप ने क्यों नहीं करवाया, क्यों मदद करने की कोशिश भी नहीं की। हाँ, शुरुआती कोशिश जरूर की। तो चलिए आते हैं, बाकी अपडेट आपने देखा होगा, 18 मिनट 54 सेकेंड वाला प्रोपोगेंडा वाला इंटरव्यू भी देखा होगा सूरज मिश्रा का, जो इंटरव्यू सूरज मिश्रा ने मौत के दिन उस रात को हमें दिया था, जिस तरह से हमारी एक बात हुई थी एकदम सुकून ढंग से, सारा सच उन्होंने बताया था कि किस तरह से मनीष कश्यप से उम्मीद थी विक्की बेदर्दी को, पवन सिंह से उम्मीद थी, खेसारी लाल से, लेकिन किसी ने नहीं किया मदद। मनीष कश्यप के आगे पीछे सूरज मिश्रा कई दिन रहते हैं लेकिन फिर भी वो आदमी मना करता है किसी भी तरह के मदद से, इनकार करता है। हाँ, शुरुआती मदद जरूर करता है, और सोनू सूद के माध्यम से 70,000 रुपये का इलाज होता है मेडिवर्सल हॉस्पिटल में पटना के, लेकिन उसको लेकर भी कितनी झूठ बोली गई। जो सूरज मिश्रा से बाद में जो गाली दिलवाया गया खुशबू राय को, अमरजीत जी को, सुमित कुमार को, सच बिहार को, वो आपको मालूम है, वो आपने देखा होगा, उसकी ही हकीकत आज बताता हूँ कि उस दिन क्या हुआ। उस वीडियो के बारे में हमने बताया था ना कि कितना कट है, कितना कट नहीं है, किस तरह से प्रोपोगेंडा करके गाली दिलवाया गया, वो हवा में बात नहीं हो रहा था भाई साहब, वो पक्का रियलिटी थी। वो रियलिटी कैसे थी ये मैं आपको बताता हूँ। चाहता तो नहीं था कि ये बात कैमरे पे आए, लेकिन लाना मजबूरी है, क्योंकि एक व्यक्ति की सच्चाई आप नहीं जान पाइएगा। इसी तरह से जब भी कोई उसके खिलाफ सवाल उठाएगा तो आप उसके गरियाइएगा, क्योंकि आप अंधभक्ति में लीन हैं, अंधभक्ति में, ये सच आप माने या ना माने।
तो सुनिए सच, जिस दिन वो इंटरव्यू होता है, वो इंटरव्यू जानते हैं कब से कब चलता है, जो काजल करने गई थी सच तक से, 7 बजे सुबह से 3 बजे दोपहर तक चलता है अकॉर्डिंग टू सूरज मिश्रा। और जैसे ही इंटरव्यू खत्म होता है, सूरज मिश्रा से उस तरह की बातें, चाहे जिस परिस्थिति में सूरज मिश्रा ने बोला हो, हम नहीं कह रहे कि उन्हें पीट के बुलवाया गया होगा, जिस परिस्थिति में बोला हो, दबाव में आके बोला हो, किस तरह के दबाव थे हमें नहीं पता, उन्होंने बोला, उसके बाद सीधा हमें कॉल आता है कि सुमित भैया हमने इस तरह की बातें बोली है, हमें समझ नहीं आया था, हमने पता नहीं क्यों बोला, कैसे बोला, हमें बुलवाया गया, हम पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था, जिस दिन से आपका वीडियो वो अपलोड हुआ था उसी दिन से दबाव बनाया जा रहा था, और हमने इस तरह की बात बोला है, मैं माफी मांगता हूँ, बार बार वो माफी मांगे जा रहे थे। मैं उनसे सवाल पूछा, क्यों माफी मांग रहे हैं, हमें तो पता भी नहीं है कि आप किस बात के लिए माफी मांग रहे हैं, तो पहले वीडियो आने दीजिए, अगर अपलोड होता है तो लिंक भेजिएगा और उसके बाद देखेंगे। जब वीडियो अपलोड होती है तो मैं उसे कॉल लगाता हूँ, तो उधर से रिप्लाई आता है कि भैया मिलना चाहते हैं, आप तीनों से मिलना चाहते हैं, बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, मैं मना करता हूँ। खुशबू जी फिर कहती है मुझे फोन करके कि मिल लेते हैं एक बार। तो हमें इस बात का अंदेशा हम तीनों को था कि कहीं ना कहीं फिर से ना साजिश रची गई हो, क्योंकि जो साजिश रच के हमें गाली दिलवाया गया उसमें पता है आपको कि झूठ है पूरी, और झूठ आपको नहीं भी लगता तो आज साबित करके बताएंगे उसी सूरज मिश्रा की जवानी। तो हम लोग जब मिलने जाते हैं, मुलाकात होती है खुशबू रॉय के ऑफिस पे, तब हम प्लान बनाते हैं, तब हम सोचते हैं कि कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ प्रूफ रखना चाहिए, पता नहीं क्या साजिश बाद में किया जाए, कि फिर से कुछ किया जाए हमारे ही खिलाफ। हमने कोशिश किया कि उस वीडियो को उसके कुछ ना कुछ प्रूफ रखा जाए, ऑडियो हमने रिकॉर्ड किया, सारे बातचीत का उस दिन का ऑडियो रिकॉर्ड किया, और ये करना मजबूरी था हमारी, पता नहीं कौन सी साजिश होती, लेकिन उस ऑडियो में जो कई सारी सच्चाई आई है उसे आप तक भी आज रखने जा रहा हूं। चाहता तो नहीं था कि रखना, लेकिन रखना जरूरी है, क्योंकि उस चेहरे के पीछे कितने चेहरे हैं मनीष कश्यप की, सच्चाई आज दुनिया के सामने आनी चाहिए, आनी चाहिए। उस वीडियो में क्या होता है, उस शाम को जब मिलते हैं, हमारी मुलाकात होती है, लगातार सूरज मिश्रा माफी मांगने की कोशिश करते हैं, मैं इग्नोर कर रहा हूं, जो आप ये ऑडियो में सुन सकते हैं कि किस तरह से इग्नोर कर रहा हूं, किस तरह से वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई आप लोग बात नहीं कर रहे हैं, हमको बहुत गिल्ट फील हो रहा है। ए यार थोड़ा सा हमसे बात करिए, जैसी टाइप का महसूस कर रहे हैं, हमको पता नहीं चल रहा है क्या बोलें, क्या बेइज्जती करेंगे भैया, पूरा दुनिया के नजर में तो हम लोग बेइज्जत हो रहे हैं, डिप्रेशन में चल रहे, सच्चाई बोलते हैं पागल हो जाएंगे, इसलिए थोड़ा बहुत आप लोग बात करिए, हमको पता होगा कितना आदमी का अगर देखिए आत्मसम्मान को ठेस पहुँचता है तो पता है क्या होता है, हम आप लोग आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाए हैं। सुन लिया, अब उस बहन से मैं बात करना चाहता हूं, का काजल बहन उस दिन कह रही थी कि किडनी दे देते अपना, किडनी मदद करने का इतना ही शौक था, जी नहीं मैं इतना बड़ा दानवीर तो नहीं है दीदी, सॉरी, लेकिन हम ये दावा भी नहीं करते, हम दिन का 2.5-3 लाख कमाते हैं मनीष भैया की तरह, हम ये दावा भी नहीं करते कि हम इतना मदद कर दिए, इतना का लैपटॉप दे दिए, इतना का चिप्स खिला दिए, हमारी औकात 5,000 देने की भी नहीं थी बहन, लेकिन हमने जितना हो सका मदद किया है, और ये सूरज मिश्रा से सुनिए, और हमने कोई प्रोपेगेंडा करके नहीं कहवाया है, सुनिए अपनी मम्मी की कसम खा के क्या कह रहे हैं सूरज मिश्रा, अपनी मम्मी कसम खा के बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, तो इतना आप लोग किए ना विक्की बेदर्दी के बाद, मेरे बाद कोई किया तो आप ही चारों पर चर्मी, लेकिन सुन लिया, समझ में आया, किडनी निकाल के दे देते किडनी। अब सुनिए उस सच्चाई को कि मनीष कश्यप के जो काजल वाले इंटरव्यू में जो बोला गया है वो उसमें कितनी सच्चाई थी, कैसे बुलवाया गया है, कितना से कितना बजे तक इंटरव्यू चला है, सुनिए जरा खुद से। वो भी आप ये भी बोले कि सच तक सबसे पहले चलाया था, उसकी रिपोर्टर आके चलाई थी, हम लोग उस बात को भी रखे, वो भी काट देते हैं। और भैया आप जो बोले कि एक वीडियो जो सोफा पे बनाया था, मेरी बात सुनिए, वो हम बनाए थे, वो चला है, वो हम बनाए थे, वो चला है, वो भी सब गुड बोल रहे हैं, सब गुड बोल रहे हैं, 6 बजे से लगातार 3 बजे तक कंटिन्यू कट टू कट हुआ रहा था, सिर्फ की जो उन लोग को मिल नहीं रहा था जो चीज, हम वो लोग हम बहुत परहेज किए, सच्चाई बोलते हैं, आप कभी किसी वीडियो में हम जल्दी नहीं बोलते हैं, उस टाइप पे मेरा दिल ही नहीं है किसी के प्रति, अगर जब 12-15-16-10-20 बार कट हो गया तो हमको बहुत अफसोस हुआ कि हम ठीक है जो चाहिए वो बोल देते हैं, हवा में नहीं बोल रहे थे, बोले ना कि 18 मिनट के वीडियो में 9 कट हवा में नहीं बोला जा रहा था, हमने बताया एक एक करके कि कहाँ पे कट लगा, कैसे लगा,
और सूरज मिश्रा को यह भी अब सुनते पाए जा रहे हैं कि कैसे गोल मटोल वो बोलने की जवाब कोशिश कर रहे थे, जो मैं उस वीडियो में भी बताया है कि 4 मिनट 16 सेकंड तक गोल मोड जवाब चल रहा है। वो बार बार कह रहे हैं कि पता नहीं कौन से चैनल थे, जबकि उनका नाम चैनल नाम सब पता है। और मेरे बारे में आप कह रहे थे ना कि तुमने क्या मदद किया, तुम कितना देर खड़े थे, तुम मदद कर देते ना, आप सभी कह रहे हैं दर्शक के तौर पर भी। आप सुनिए खुद सूरज मिश्रा की बातों में कि कैसे वो इस बात को खुद एक्सेप्ट करते हैं कि कैसे वो चीट किया, और उस दिन के बाद वो क्यों हमें फोन किया इंटरव्यू के बाद, जब उन्होंने गलियाया, माँ बहन सबकी गलियाया मुझे, तब क्यों फोन किया था, सुनिए। देखिए, एक को खुश करने के लिए आप ऐसे लोगों को ठेस पहुंचा दे जो 24 घंटा मेरे साथ, माने विक्की बेदर्दी के लिए जिस उस मैटर के लिए जो चल रहा है उसके लिए खड़ा रहा है, उसको हम ठेस पहुंचा दिए। और ठेस पहुंचाने के बाद हमको बहुत गिल्टी फील, वीडियो बिना चले हम उनको फोन कर दिए थे सुमित भाई को कि भैया हम बहुत कुछ बोल दिए, हमको पता नहीं क्या बोले, अगर वीडियो चलाता है कि नहीं चलाता, अगर चलाएगा भैया तो हमको माफ़ कर दीजिएगा, और नहीं चलाएगा तो कोई बात नहीं, बोले कि अगर आपके पास आएगा तो हमको लिंक दे दीजिए। अब भी आपको यकीन करना है कि नहीं, ये चीज़ें मैं कट कर करके इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि आपको संदर्भ समझ में आए, नहीं तो कई लोग ऐसे होंगे कि पूरा रिकॉर्डिंग डाल दो ना, अगर ऐसा है तो है वो भी डाल देंगे, कहिएगा तो बहुत सारे प्रूफ हैं और भी हैं, बस संदर्भ बता रहा हूं। और उस लास्ट वाली बात को सुनिए, जो लोग कह रहे हैं ना, जो लोग कह रहे हैं कि तुम मनीष कश्यप के खिलाफ साजिश कर रहे हो, वो ये बात भी सुनिए कि किस तरह से मनीष कश्यप को सूरज मिश्रा ने गाली दिया था, और गाली कब दी गई थी, जब विक्की बेदर्दी का लाश पीएमसीएच के वार्ड में पड़ा था, तब एक इंटरव्यू में तब एक चैनल को बोला गया था और गाली दी गई थी, उस गाली को हमने मदद किया कटवाने के लिए, क्योंकि हम भी नहीं चाहते थे कि क्यों किसी पत्रकार के खिलाफ गाली जाए, उसे माँ की गाली दी गई थी मनीष कश्यप की, उनकी माँ की क्या इसमें गलती है या कुछ भी है, वो छोड़िए ना भैया, सबसे बड़ी बात उम्मीद भारत को आपके सामने में कॉल करके डिलीट करवाया ना, आप जो गाली दे दिए, कौन डिलीट करवाया, हम लोग क्यों डिलीट करवाते भाई, जब हमको मनीष कश्यप को ही टारगेट करना था, षड्यंत्र ही करना था, तो डिलीट क्यों करवाते उसका। और हमने बाकायदा सूरज मिश्रा को यह बात कहा था, आप सुन सकते हैं इस बात में, अमरजीत जी बोल रहे हैं अभी खुद से कि हमने तो भैया स्टार्टिंग में ही बोला था कि गाली वाले हमारे वीडियो में नहीं दीजिएगा, आप अपनी बात रखिए लेकिन गाली नहीं दीजिए। एक ऐसा इंसान है जो हर लोग को कहते हैं ना कि बोली के, मेरे बोलते हम भी आपको पहले बोले तो भैया गाली वाले नहीं दीजिए, बोले अब आप हम ही लोग को गाली दे दीजिए, अच्छा बताइए, और वो भी समझिए हम लोग एक जाते हैं आपको वीडियो में बोलते भैया गाली मत दीजिए, और वो लोग आपसे गाली दिलवा के ही और गाली चढ़ाते, कोई न्यूज़ चैनल पे गाली चढ़ा, साजिश करने वाला गाली दिलवाता है गुरुजी, जो काजल उस दिन कर रही थी लड़की हो के भी क्या गाली दिलवा रही थी आपको पता है, और हम गाली कटवा रहे थे, साजिश कौन कर रहा था आप जरा सोचिए ना। सीएम बनेंगे बिहार के, भाई साहब पेशे से इंजीनियर हैं, काम पत्रकारिता के करते हैं, और चल उनकी नेतागिरी रही है, और नेतागिरी में भी गुंडागर्दी चल रही है, उनके पास पूरा डंटा है, टीम है जो धमकी देता है लोगों को, लोगों को डराता है, बरगलाता है, और इस तरह की बातें बुलवाता है। इतना ही नहीं, सूरज मिश्रा को खुशबू राय ने लास्ट में यह भी कहा कि आपको पता है सूरज जी कि आपने कितने लोगों को गलत ठहरा दिया, तब उस वीडियो का 8 लाख व्यूज था, अब 1 मिलियन है फेसबुक पे, यानी वो बोल रही है कि 8 लाख को आपने गलत ठहरा दिया है, सच जो देखा आज 1 मिलियन है, 1 मिलियन लोग, 10 लाख लोगों को गलत ठहराने की कोशिश की गई, और सूरज मिश्रा इस बात को एक्सेप्ट करते हैं गिल्ट के साथ। भैया एक बात बताइए, एक लोगों का दिल रखने के लिए आप कितने लोगों का भरोसा तोड़ दिए, ये बताइए। हम बोल रहे हैं ना, नहीं हम अपना 3 लोगों का बात भाई हम नहीं कर रहे, बहुत लोगों का तोड़ दिए, वो लाखों ऑडियंस की बात कर रहे हैं भैया, जो सच से गुमराह किए हैं आप उसको, बोल रहे हैं सच्चाई, जो सच्चाई दिखा के आप उस सच्चाई से उसको गुमराह कर दिए भैया, ये जो 8 लाख ऑडियंस देखा ना भैया, आप उसको गलत साबित कर दिए, और वो 8 लाख सही देखा था भैया, वो 8 लाख ऑडियंस सही देखा था, सुन लिया। अब जरा बताइए कि इस मनीष कश्यप की असली सच्चाई आपको समझ में आई कि नहीं आई, और नहीं आना चाहता ना आप, अगर नहीं सोचना चाहते हैं उस तरफ ना, तो कोई बात नहीं है भैया, गरियाइए फिर से सुमित कुमार को गरियाइए, लेकिन किसी दिन अगला विक्की बेदर्दी बस आप मत बन जाना भाई, आप मत बन जाना, किसी दिन आप मत बन जाना अगला विक्की बेदर्दी। एक युवा सिंगर जान से हाथ धो बैठता है, और इस मनीष कश्यप ने
उस बिक्की विदर्दी की मौत से पहले भी मजाक बनाया और उसकी मौत की भी मजाक बनाया। देखिए ना उस इंटरव्यू में क्या कहा, उन्होंने 4 बार खून दिए हैं, यह भी झूठ था। ये क्या है, मौत का मजाक ही बनाना तो है। वो अंत्योष्टि में 11,000 देने की बात कर रहे हैं, शायद अब दे भी दें। ये क्या है, यह भी मजाक बनाना ही तो है। आपने तय किया है कि किसी व्यक्ति की अनुभक्ति करनी है, उसके हर बात को सच मानना है और उसके हर तर्क पे ताली बजाना है, तो बजाइए। और मेरे बोलने से नहीं, अपना तर्क कीजिए, जो आज मैं सच दिखाया हूं उससे एनालाइज कीजिए बाकी रिपोर्ट को। बाकी इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना, बस लास्ट में यही कहूंगा कि ऐसे कई बिक्की बेदर्दी है जो ऐसे लोगों की वजह से अपनी जीवन हार जाएंगे।